रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को कामार पुकूर बंगाल में हुआ था। वे भारत के एक महान संत और आध्यात्मिक विचारक भी थे और विशेष रूप से माँ काली के अंदर उनकी बड़ी ही आस्था थी, यहाँ तक कि वो उसे अपनी ही माँ मानते थे और उन्होंने माँ काली की विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़ा ही कठोर साधना और तप किया था और अपना जीवन देवी की भक्ति में बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे और अपनी सिद्धि और साधना के फल स्वरूप वे उस मुकाम तक पहुँचे कि संसार के सभी धर्म के वह प्रिय बन गए थे। भारतीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर था। उनके पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी चंद्रा देवी थी। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हो गया था। गया में उनके पिता खुदीराम जी ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने उनको कहा है कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्रमणि देवी को भी ऐसा ही एक अनुभव हुआ था, जिसमें उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ से एक चमत्कारिक प्रकाश का प्रवेश करते हुए अनुभव किया था। इनकी बाल सुप्त और सरलता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। 7 वर्ष की अल्पायु में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पूरे परिवार का भरण पोषण भी कठिन था और आर्थिक कठिनाइयां भी थी। बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे रामकृष्ण यानी गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज और विनयशील था। वे संकीर्णताओं से बहुत दूर रहते थे और अपने कार्य में लगे रहते थे। सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन या अध्यापन में नहीं लगा और रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय रामकुमार भी सहायता करते थे। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का काम दिया गया था, यानी कि देवी के मूर्ति का साज श्रृंगार का कार्य रामकृष्ण परमहंस का था। मुख्य पुरोहित रामकुमार की मृत्यु के पश्चात में रामकृष्ण परमहंस को महाकाली मंदिर में पुजारी नियुक्त किया गया था और वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुआ था। रामकृष्ण इसकी वर्णना करते हुए कहते हैं कि घर द्वार मंदिर और सब कुछ एक ऐसा समय आया कि अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा। यह चेतना का ही सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक जहां देखा, बस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी। इस प्रकार से उनको आत्मानुभूति और कुंडलिनी जागरण का अनुभव हुआ था और समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे थे। उन्होंने महाकाली के सिद्ध मंत्र को जागृत करके सिद्ध कर लिया था और साक्षात महाकाली का दर्शन प्राप्त किया था। यहाँ तक कि कई उनके भक्तों ने यहाँ तक कहा है कि उन्होंने काली माता को उनको भोजन कराते देखा था। इस प्रकार से दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान भी शीघ्र भक्तों और भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। बड़े बड़े विद्वान, प्रसिद्ध वैष्णव तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पद्मलोचन, तारकाकार वैष्णवाचार्य गौरीकांत, तारक भूषण आदि भी उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते थे। बड़े बड़े नेता भी उनके पास आते थे और वह शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारकों के घनिष्ठ संपर्क में आए जो बंगाल में विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का एक दूसरा वर्ग था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त और गिरिशचंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और दुर्गाचरण थे। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे।
अत्यंत से शिथिल होने लगे और शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंसते रहे और इनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम प्रिय शिष्य विवेकानंद जी थे। कुछ समय हिमालय के किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। कहीं आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा कि वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा है। यहाँ लोग रोग रोते और चिल्लाते रहे और तुम हिमालय की किस गुफा में समाधि के आनंद में निमग्न रहोगे? क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकार करेगी? इससे विवेकानंद दारिद्र नारायण की सेवा में लग गए और रामकृष्ण महान योगी उच्च कोटि के साधक व विचारक बन गए। सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे और सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। और विशेष रूप से सन 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल में रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया और 16 अगस्त का सवेरा होने के कुछ ही वक्त पहले आनंद गण विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वस्वरूप में लीन हो गए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। विशेष रूप से कई प्रकार के मंत्र सिद्ध वहाँ पे होते हैं और विशेष रूप से महाकाली के बीज मंत्र की उपासना कई लोग करते हैं, जो कि महाकाली का बीज मंत्र माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। क्रीम, यह मुख्य रूप से महाकाली का बीज मंत्र है और इसका 25,00,000 मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होता है। तत्पश्चात ही देवी की कृपा व्यक्ति को साधक को प्राप्त होती है।